हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिकिविजन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा बसेस की। हम देखने वाले हैं कि डेटा बस क्या होता है, इसे एयरक्राफ्ट में क्यों यूज़ किया जाता है, कितने तरीके का होता है, और ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। मतलब कि सीरियल बस क्या होता है, पैरेलल बस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल बस क्या होता है, ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा बस क्या होता है। तो ध्यान रखिए, डेटा बस एक मीडियम होता है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुँचाने में हेल्प करता है। इसी के द्वारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जिस तरह आप जनरल बस को देखते हैं, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, उसी तरह से डेटा बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा को पहुँचाता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कोई सिस्टम अपनी डेटा को दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, तो ये केबल ही वो मीडियम होता है, ये डेटा बस ही वो मीडियम होता है जो उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। इसी तरह से अगर सिस्टम इन्फॉर्मेशन पायलट को देना चाहता है तो वो भी वो डेटा बस के थ्रू ही पायलट तक पहुंचता है। अब जो सवाल आता है कि इसे एयरक्राफ्ट में क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिए एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। कहने का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इन डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ये हाउस होल्ड वायरिंग की तरह नहीं होता है, बल्कि इसमें वोल्टेज लेवल डिफाइंड होता है कि किस वोल्टेज लेवल में इसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। इसके अलावा बहुत ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं जिनके तहत इन डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और उनको हम जनरल भाषा में प्रोटोकॉल नाम से जानते हैं। अब अगर बात की जाए डेटा बसेस के वर्किंग की, तो ध्यान रखिए बिट क्या होता है। बिट का मतलब होता है किसी भी डेटा का सबसे छोटा फॉर्म या सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको कहते हैं बिट। ठीक, इनके आधार पर यानी इनके वर्किंग के बेस पर इनको दो तरीकों से डिवाइड करते हैं। पहला होता है सीरियल बस और दूसरा होता है पैरेलल बस। ठीक है, सीरियल बस कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हम एक सिंगल वायर का यूज करते हैं और इसमें एट ए टाइम सिर्फ एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, पैरेलल डेटा बस कहने का मतलब होता है कि इसमें हम एक से ज्यादा वायर जैसे कि 8, 16, 32, 64 इस तरह से वायर्स का यूज करते हैं और हर एक वायर में एट ए टाइम एक बिट डेटा जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम पैरेलल डेटा बस यूज कर रहे हैं तो उसमें एट ए टाइम जितने वायर्स हम यूज करते हैं उतने डेटा बिट को एक साथ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो सीरियल बस एट ए टाइम सिर्फ एक डेटा ट्रांसफर करता है और पैरेलल जो होता है वो 8, 16, 32, 64 इस तरीके से वायर के नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने डेटा बिट एक साथ ट्रांसफर करता है। इसी कारण से जो सीरियल बस होता है उनकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू पैरेलल डेटा बस। ठीक है, अब जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये कि एयरक्राफ्ट में सीरियल डेटा बसेस का यूज ज्यादा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरियल बसेस में हम सिर्फ एक वायर का यूज करते हैं और कम वायर यूज होने के कारण एयरक्राफ्ट का वेट हल्का रहता है, जो कि एक प्राइमरी रीजन होता है किसी भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का। हाँ, सिस्टम के अंदर यानी सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स में, उनके खुद के कंपोनेंट्स में पैरेलल डेटा बस का यूज करते हैं, बट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम ज्यादातर सीरियल डेटा बस का यूज करते हैं। अब देखिए, चाहे सीरियल डेटा बस हो या पैरेलल डेटा बस हो, ये दो तरीकों से काम करते हैं। पहला तो ये कि ये इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सिर्फ लेकर के जा रहे हैं, वहां से लेकर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे डेटा बसेस को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा बस, जो इंफॉर्मेशन को सिर्फ ले करके जाते हैं। ठीक है, अगर यही डेटा बस इंफॉर्मेशन को किसी सिस्टम तक पहुंचाते भी हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ले आकर पहले वाले सिस्टम को देते भी हैं, तो ऐसे डेटा बसेस को बोला जाता है बाई डायरेक्शनल डेटा बस। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों हो सकते हैं, यानी सीरियल डेटा बस भी यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल हो सकता है और पैरेलल डेटा बस भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हो सकता है। अब अगर बात की जाए क्वेश्चंस की, तो इससे क्वेश्चंस ये आते हैं कि डेटा बस क्या होता है। तो डेटा बस ध्यान रखिए एक मीडियम होता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। सीरियल डेटा बस क्या होता है, तो सीरियल डेटा बस ऐसा बस होता है जो 1 बिट डेटा एट ए टाइम ही ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, पैरेलल डेटा बस क्या होता है, जो 8, 16, 32 इस तरह से डेटा बस एट ए टाइम ट्रांसफर करते हैं, उनको कहा जाता है पैरेलल डेटा बस। किसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो हम जानते हैं पैरेलल डेटा बस की स्पीड ज्यादा होती है। एयरक्राफ्ट में कौन सा डेटा बस अधिकतर यूज किया जाता है, तो वो होता है सीरियल डेटा बस। इसके अलावा यूनिडायरेक्शनल डेटा बस क्या होते हैं, जो सिर्फ वन वे होते हैं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन को सिर्फ ले करके जाते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ये दोनों काम करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को लेकर के भी जाते हैं और ले करके भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डीजी से क्वेश्चंस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।